हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ योगिता। वेलकम टू आवर चैनल वर्ल्ड कोकोनट डे। ये आपने सुना जरूर होगा, लेकिन ये सेलिब्रेट क्यों करते हैं ये आप शायद ही जानते होंगे। कोकोनट एक ऐसा फ्रूट है जिसकी हर एक चीज इस्तेमाल में लाई जाती है। अभी तक आपने कोकोनट के खाने और लगाने के फायदे ही सुने होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कोकोनट के कुछ ऐसे फायदे और कुछ ऐसी खूबियां जो ना आपने कभी सुनी होगी और ना ही आपने कभी देखी होगी। और ये वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। साल 2009 में पहली बार वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया गया था। इस दिन को एशियन एंड पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी ने बड़े उत्साह के साथ मनाया था। इसे मनाने का मेन रीजन ये है कि वर्ल्ड वाइड नारियल की खेती को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक किया जा सके। वैसे आपने अक्सर कोकोनट वाटर और कोकोनट ऑयल का तो यूज किया होगा, पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि छोटा सा कोकोनट दुनिया में बहुत बड़े चेंजेस ला सकता है तो शायद आप बिलीव ना करें, क्योंकि आपने अभी कोकोनट यानी कल्प वृक्ष को जाना ही कहा है। तो चलिए पहली खास बात मैं आपको बता दूं कि कोकोनट ट्री के लगभग हर पार्ट का यूज होता है, जो दुनिया के बहुत काम आता है। शायद आपने भी नारियल को काफी हल्के में लिया हो, क्योंकि पानी निकलने के बाद नारियल हल्का ही हो जाता है। अगर मैं कहूँ कि इस हल्के नारियल की मलाई से आपके पॉकेट में रखा वॉलेट बन सकता है तो शायद आपको शॉकिंग लगेगा, लेकिन ऐसा सच में हो रहा है। केरला में एक कंपनी है जिसका नाम है मलाई बायो मटेरियल्स, जो कोकोनट का यूज करके ट्रेंडी लुक में दिखने वाले वॉलेट्स, पर्स, बैग्स जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। आप देख सकते हैं कि उनके बने कुछ प्रोडक्ट्स कितने ब्यूटीफुल और लेदर जैसा ही फील दे रहे हैं। अगर इसके प्रोसेस की बात की जाए तो ये बिल्कुल प्लांट बेस्ड होता है, इसमें केमिकल्स ना के बराबर होते हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये एकदम बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी ये नेचुरली नष्ट हो जाते हैं और एनवायरमेंट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते। तो आप मानते हैं ना कि कोकोनट दुनिया में काफी बड़े चेंजेस ला सकता है। चलिए अब बात करते हैं कोकोनट के दूसरे स्पेशल यूज के बारे में। अगर मैं आपसे कहूं कि पौधों को उगाने में भी कोकोनट यूज हो सकता है तो शायद आपको ऐसा लगे कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि पौधों को बड़ा करने के लिए तो हम सब उनमें खाद डालते हैं यानी कि सॉइल। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोकोनट से भी पौधे उगाए जा सकते हैं, और ऐसा करके दिखाया चेन्नई के एक रिटायर्ड ऑफिसर ने। उन्होंने कोकोनट को अपने प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सॉइल की जगह यूज किया है और बहुत तरह के प्लांट्स भी ग्रो किए हैं। और खास बात यह है कि ये रिटायर्ड ऑफिसर अब वहीं के फार्मर्स की प्लांट्स ग्रो करने में हेल्प भी कर रहे हैं। इस मेथड को हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। इस मेथड से बिना मिट्टी की खाद डाले प्लांट्स उगाए जा सकते हैं, और इसमें कोकोपीट का इस्तेमाल होता है। कोकोपीट कोकोनट की बाहरी वाली लेयर से बनाया जाता है। नारियल की भूसी में मौजूद रेशों को निकाल लेने के बाद बचा हुआ धूल वाला हिस्सा कोकोपीट होता है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है और ये मॉइस्चर को काफी लंबे टाइम के लिए बनाकर रखता है, जिससे इसमें प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है और बिना पानी डाले प्लांट्स काफी लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। इसके साथ ही बैंगलोर में रहने वाले एक प्रोफेसर ने कोकोनट के पेड़ की लीव से स्ट्रॉ बनाए, जिसके बाद उन्हें 6 करोड़ का ऑर्डर भी मिला। इस तरह के उन्होंने और भी प्रोडक्ट बनाए, टूथपिक, बैग्स, और सबसे अच्छी बात यह है कि कोकोनट की पत्ती से बने स्ट्रॉ प्लास्टिक के स्ट्रॉ से अच्छा फील देते हैं। इन स्ट्रॉस की डिमांड इंडिया से ज्यादा बाहर के देशों में है। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। इस वर्ल्ड कोकोनट डे पर आप क्या नया करने वाले हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।